तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया होंगे। आज हम जा रहे हैं नागलोई दीदी से मिलने। तो सुबह सुबह तैयारी हो चुकी है, नहा धो के नाश्ता कर लिया है, अभी चाय पी रहा हूँ। आपको तो पता ही है, पहाड़ी लोग चाय के कितने शौकीन होते हैं, हम भी चाय के शौकीन हैं। तो नागलोई जाते वक्त मिलते हैं, आपको दिखाते हैं रास्ते में क्या क्या पड़ता है, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग नागलोई का, आज का ब्लॉग नागलोई की। चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारी धर्मपत्नी जी क्या कर रही है, रेडी हुई या नहीं हुई। हम तो तैयार हो चुके हैं। साक्षी, साक्षी बेटा क्या कर रही है, किससे खेल कर रही है, रखो उसको। ओ धर्मपत्नी जी तो अभी बर्तन सफाई कर रही है। ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी टाइम लगेगा। बाकी लोग तो बिजी हैं फोन में, ये सब बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं यहाँ पे। इनका चैनल का लिंक भी आपको दे दूंगा सबको। ये हमारे सिंगर हैं, रैपर और सिंगर सत्यम बिष्टी जी। ये हमारे हर्ष बिष्ट, ये भी काफ़ी खतरनाक यूट्यूबर है। इनके एक महीने की इनकम करीब इतने आती है, मतलब 2 iPhone खरीद सकते हैं। इनको तो कुछ भी नहीं आती है, बनाते ही नहीं है। तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं नजफ़गढ़ से नागलोई की ओर। ये तैयार हुई हमारे घर वाले, ये हमें छोड़ने आया सिंगर कम रैपर सत्यम बिष्ट। इसको भी खूब सपोर्ट करिए। अब यहाँ से हम बैटरी वाली रिक्शा पकड़ेंगे, उधर से बस पकड़ेंगे, फिर पहुँचेंगे सीधे नागलोई। ठीक है, रास्ते में दिखाते हैं आपको, चलते हैं। हम लोग बैठ गए हैं बैटरी वाली रिक्शा पे। थोड़ा थोड़ा सीन सब जगह का दिखाते रहेंगे, तो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से हम नागलोई बस स्टैंड तो पहुँच गए हैं। यहाँ से हम नागलोई के लिए बस पे बैठेंगे। ये सारी बसें निकल रही हैं, बस स्टैंड से निकल रही हैं सारी। ये तिलक नगर के लिए, नेहरू प्लेस, तो ऐसी हमारी नागलोई के लिए बस निकलेगी, हम उसी में जाएंगे। आगे का आपको दिखाते हैं। नागलोई बस स्टैंड से नागलोई के लिए बैठ गए हैं बस पे, बस चल पड़ी है। ये आगे वाली सीट पे मेरी वाइफ बैठी है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं किराड़ी मोड़ पर। अब किराड़ी मोड़ से हम प्रताप विहार को बैटरी वाली रिक्शा पकड़ेंगे। अभी हम बस का सफर कर रहे थे नागलोई बस स्टैंड से, यहाँ पहुँच चुके हैं किराड़ी मोड़ पे। यहाँ से बैटरी वाली रिक्शा पकड़ते हैं, आगे का आपको दिखाते हैं। चलिए, तो हम किराड़ी मोड़ से भी बैटरी वाली रिक्शा पे बैठ चुके हैं। अब ये हमें पहुँचाएगा फौजी वाटिका पे। फौजी वाटिका पे पहुँचाएगा इसलिए हमें, यहाँ बहुत जाम है जैसे कि आप देख रहे हो, आगे पीछे पूरा जाम है, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ भी बड़ी गाड़ियाँ भी दोनों गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे। बड़े जैसे कंपर हो गए, प्राइवेट गाड़ियाँ, टैक्सी, बाइकें और बैटरी वाली रिक्शा तो यहाँ बहुत सारी हैं। तो इस वजह से बहुत जाम है यहाँ पे, इस रोड पे बहुत जाम है। इस साइड शायद वन वे या कुछ ऐसे निकालेंगे तो शायद बढ़िया रहेगा। ये सामने है नागलोई थाना, नागलोई मेट्रो ये पुलिस स्टेशन है यहाँ का। ये हमारी बीवी जी मंदे मंदे मुस्काती हुई, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा पर मुझे दिख रहा है, मास्क के अंदर भी मंदे मंदे मुस्का रही है। यहाँ
यहाँ से आप थोड़ा कम है जा। अभी वो आपका फिर दिखाते हैं। और यहाँ पर है रेलवे क्रॉसिंग, थोड़ी देर में आपका यहाँ पे ट्रेन गुजरेगी, आपको दिखेगा रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में बस, अभी फाटक बंद हो चुका है तो थोड़ी देर में रेल गुजरेगी यहाँ पे। अभी स्टेशन से चली गई है इसलिए बहुत स्लो है ट्रेन, मालगाड़ी है, प्रेसिजन गाड़ी नहीं है, मालगाड़ी। बहुत लंबी है, अगर इसको पूरा दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, यहीं पॉज करता हूँ। तो ये है दोस्तों, प्रताप विहार का रोड इतना ख़राब है, क्या बताऊँ, हालत ख़राब हो गई इसमें चलते चलते। हमारे धर्मपत्नी जी की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, इतने गड्ढे और हर जगह पानी। यहाँ साल के 365 दिन आपको रोड में पानी दिख जाएगा, जो नालियों से होता है आता है रोडों में जमा मिलेगा। बहुत ख़राब रोड है यहाँ की, मतलब भारत पूरी ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल पेट का इंजन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, हिल गया पूरा इंजन, सर्विस करानी पड़ेगी। और जाम भी होता है इस रोड पे। चलो आगे का व्यू आपको फिर दिखाएंगे। तो हेलो दोस्तों, हम सब पहुंच चुके हैं नागलोई। यह है नागलोई का पूरा एरिया। ये पीछे आप जो भी टीन वाला दिख रहे हैं, ये सब फैक्ट्रियां हैं जूतों की, चप्पल की, बर्तनों की। तो यहाँ ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं छोटी मोटी। यह है नागलोई का पूरा एरिया, आपको दिखाता हूँ। यहाँ फैक्ट्रियां बहुत ज़्यादा है छोटी मोटी, मतलब छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ बहुत है यहाँ पे।